अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेलजन बीफ जेलम की जानिब से मैं हूं आपके साथ अब्दुल्ला मज़र। नाज़रीन, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम आपके साथ जिस फ़ोन के बारे में बात करेंगे, जिस फ़ोन का जिक्र खैर करेंगे, वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, जो कि अभी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं किया गया। आज हम उसकी आपके साथ फर्स्ट लुक शेयर करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप इस फ़ोन का लाइव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और साथ ही अगर आप इसकी प्री बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो आप जेहलम में जो कि सैमसंग की ब्रांड आउटलेट है, सिटी थाने के बिल्कुल सामने है, बेल्स एंड बीप्स के नाम से एक शॉप है, आप वहां पर आके इसकी प्री बुकिंग करवा सकते हैं। और साथ ही साथ प्री बुकिंग में आपको इसके साथ मिलते हैं दो बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स। एक गिफ्ट तो ये है कि आप इसके साथ अगर आप इसकी प्री बुकिंग करवाते हैं, तो इसमें आपको साथ सैमसंग के एयरबड्स मिलते हैं, जो कि मार्केट में 18 से 20 हज़ार की कीमत में अवेलेबल हैं। और साथ दूसरे जो इसमें गिफ्ट है वो है द्रास का 5000 का वाउचर। तो चलिए ना जीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल बेल्स एंड बीप्स सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, अगर इसके डिज़ाइन के बारे में बात की जाए, तो इसके फ्रंट 6.9 इंचेस की डिस्प्ले इसकी रखी गई, और साथ ही साथ इसके राउंड शेप में इसको सैमसंग ने बनाया है। और साथ अगर इसकी आप फ्रंट स्क्रीन देखें, तो ये बेजल लेस है। अगर इसकी बैक साइड पे देखें, तो इसकी बैक साइड पे आपको ग्लास मिलता है, जो कि ग्लास की बनाई गई है। और साथ ही अगर इसमें हमें इसमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि स्क्वायर शेप में बनाया गया है, और कैमरा इसका बहुत अच्छा है। अगर इसके बाकी फीचर्स को देखा जाए, इसके बाकी डिज़ाइन को देखा जाए, तो इसके फ़ोन के राइट साइड पे, डिवाइस के राइट साइड पे आप इसको पावर बटन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हमें इसमें वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं। इसके अगर आप ऊपर वाली साइड पे देखें, तो इसमें आपको एक माइक देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसमें हमें सिम ट्रे देखने को मिलती है, जिसमें आप दो सिमें यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप इसकी मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। और साथ अगर इसके लेफ़्ट साइड पर देखा जाए, तो इसकी लेफ़्ट साइड पर कुछ भी नहीं रखा गया। और साथ इसके अगर आप फ़ोन के नीचे देखें, तो इसमें आपको एक माइक देखने को मिलता है, और साथ ही साथ सी टाइप चार्जिंग कॉर्ड देखने को मिलती है, और साथ इसके आपको स्पीकर देखने को मिलता है। और इसके एक और बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें आपको एस पेन देखने को मिलता है, जो कि एस पेन में भी बहुत से फीचर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और साथ अगर इसके हम एस पेन को यूज़ करें, तो वो भी बहुत अच्छा है, जैसा कि आप इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आप जब एस पेन को यूज़ कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छी आपको वॉइस साथ सुनने को मिलती है। और साथ इसमें आप एस पेन ऐसा रखा गया है, इस टेक्नोलॉजी का इसमें डाल दिया गया कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आप एक पेपर को, एक पेपर के ऊपर पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही इसमें एस पेन यूज़ किया गया है। तो नाज़रीन, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में जो चिपसेट यूज़ किया गया है, वो है स्नैपड्रैगन ज़ाइनस 997 NM का इसमें चिपसेट यूज़ किया गया। और अगर साथ ही साथ इसके GPU की बात की जाए, तो वो माली G77MP11 का GPU यूज़ किया गया, जो कि चिपसेट और GPU दोनों ही बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं। और अगर साथ इसके हम मेमोरी और रैम के बारे में बात करें, तो इसकी मेमोरी जो है, इसकी रैम के बारे में अगर बात करें, तो इसकी रैम 12 GB है। और साथ अगर इसकी मेमोरी के बारे में बात की जाए, जो कि इसकी इंटरनल स्टोरेज है, वो 512 GB तक की मैक्सिमम इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ अगर इसकी हम रेजोल्यूशन की बात की जाए, तो इसकी रेजोल्यूशन 1440x388 494 PPI है। और साथ ही साथ इस फ़ोन का अगर कैमरे की बात की जाए, तो इस फ़ोन में ट्रिपल कैमरा दिया गया। अगर इसका स्टैंडर्ड कैमरे की बात की जाए, तो इसका स्टैंडर्ड कैमरा 108 MP है, जिससे आप 50x तक जूम कर सकते हैं। और साथ अगर इसके दूसरा जो कैमरा दिया गया है सेकंड पे, वो है अल्ट्रा वाइड फोकस कैमरा, जो कि 12 MP है। और इसके साथ तीसरा जो कैमरा है, वो भी 12 MP है, जो कि टेलीफोटो के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर इसका डिस्प्ले की बात की जाए, तो इसका डिस्प्ले 120Hz का बनाया गया है, जो कि आप 1080p तक ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके आप डिस्प्ले को बढ़ाते हैं, इसके रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर 120 सपोर्ट नहीं करता, बल्कि आपको 60Hz देखने को मिलता है। और अगर इसकी बैटरी के बारे में बात की जाए, तो इसकी बैटरी की कैपेसिटी जो बनाई गई है, वो है 4500 mAh की इसकी बैटरी बनाई गई, जो कि आप एक दिन आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ऐसे फ़ोन में बहुत कम बैटरी बनाई गई है, कम से कम अगर इसकी 6000 बनाई जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अगर आप इसके 4500 इसकी बैटरी बनाई गई है, वो भी एक दिन आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने इसकी प्राइस के बारे में किसी को नहीं पूछा, तो आप हमें इसकी प्राइस बता देते हैं। इसकी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो इसकी प्राइस लॉन्च हो रही है, वो तकरीबन 2,20,000 के पास पास गया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बेल्स एंड बीप्स सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए हमें दें इजाज़त।
आपका दोस्त एंड भाई, अल्लाह हाफिज़।